इस वीडियो में योनो SBI यानी कि SBI इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड रिकवर करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सो अगर आप लोग योनो SBI या फिर SBI इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हैं और अब आप लोगों को लॉगिन करने में बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप लॉगिन पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लॉगिन पासवर्ड को रिकवर करने का तीन बेस्ट तरीका है। एक तो आप योनो SBI एप्लीकेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा मेथड है आप SBI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू भी जाकर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा योनो SBI लाइट ऐप के थ्रू भी आप अपना लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको योनो SBI एप्लीकेशन के थ्रू ही रिकवर करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, योनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओके, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आप एम पिन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने एम पिन क्रिएट नहीं कर रखा या फिर आप लोग एम पिन भी भूल चुके हैं तो ऐसे में तो लॉगिन करने में आपको जरूर समस्या आ रही होगी। तो आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन यूजिंग यूजर नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको लॉगिन करने में समस्या आएगी। तो यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन के जस्ट ऊपर, फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, आप दो तरीकों से अपने SBI इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप अपना यूजर नेम डालिए, उसके बाद आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालिए। यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डालिए। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो फिर आप दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है ATM कार्ड नंबर और ATM पिन। आपके घर पर बैंक के द्वारा ATM कार्ड पार्सल किया गया होगा, उस ATM कार्ड का नंबर यहाँ पर डालिए और जो आपने ATM पिन क्रिएट कर रखा है 4 अंक का, वो अंक यहाँ पर आप डाल करके और नीचे में नेक्स्ट का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं लॉगिन पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, यानी कि यूजर नेम और प्रोफाइल पासवर्ड मैंने इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो पहले वाला पासवर्ड था आपका लॉगिन पासवर्ड उसे अब आप भूल चुके हैं तो पूरी तरह से भूल जाइए, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो अब जिस टाइप का आप पासवर्ड रखना चाहते हैं जो आपको हमेशा याद रहे, बट इतना भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं वह एक यूनिक पासवर्ड होना चाहिए। अगर कोई गेस भी करना चाहे तो उसे गेस ना कर पाए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर आप दोनों बॉक्स में पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड इनपुट कीजिएगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा तो फिर आप अपना पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे में कन्फर्म का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक OTP आएगा आपके नंबर पर, उस OTP को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन यूजिंग न्यू पासवर्ड। अब आपको क्या करना है, सिंपल गो टू लॉग इन पर क्लिक करना है। तो देखिए अब जो है आपने अपना लॉग इन पासवर्ड चेंज कर लिया। अब आपने जो नया पासवर्ड क्रिएट किया है उसी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर पाएंगे, चाहे योनो SBI ऐप में कर रहे हो या फिर योनो लाइट SBI में कर रहे हो या फिर आप SBI इंटरनेट बैंकिंग के ऑफिशियल साइट पर जाकर के लॉग इन कर रहे हो। तीनों ही सिचुएशन में आप लोग सेम इसी लॉग इन पासवर्ड को इनपुट करके लॉग इन कर पाएंगे। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स फिलअप कर लिया, यानी कि यूजर नेम और लॉग इन पासवर्ड इनपुट कर दिया। अब सिंपल आपको यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप योनो SBI एप्लीकेशन में या फिर SBI इंटरनेट बैंकिंग में आसानी पूर्वक लॉगिन कर पाएंगे और सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग SBI इंटरनेट बैंकिंग या फिर योनो SBI का लॉगिन पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, सो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा दीजिए।